आंदोलन के दौरान पुलिस आंदोलनकारियों पर आक्रामक हुई और हाथापाई पर उतर भी आई, जिसमें आंदोलनकारियों युवक की तबीयत खराब हुई, जिस कारण आंदोलनकारियों द्वारा तीव्र रोष व्यक्त किया गया। पूरा मामला ऐसा है कि विमा अस्पताल में कई दिनों से मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हर महीने वेंडर द्वारा पेमेंट से कुछ हिस्सा कर्मचारियों से मांगा जाता है। नहीं देने पर कर्मचारियों को काम से निकालने की धमकियां भी दी जाती है, ऐसा कर्मचारियों और युवक कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है। राज्य म्हणजे हे जो विमा हॉस्पिटल आहे आपला सोमवारी क्वार्टरला, इथे 5 ते 6 महिन्यापासून, बरोबर आहे, 5 ते 6 महिन्यापासून जो टेंडर दिला आहे हा एका पक्षाच्या, आता 2 वर्ष झाले, एका पक्षाच्या थ्रू कोणातरी दिला आहे, त्या पक्षाचं मी नाव घेत नाही, त्या पक्षाचा व्यक्तिगत एका व्यक्तीला तो टेंडर आहे, तो टेंडरमधून समजा उदाहरण 15,000 रुपये जर हा काकूचा पगार आहे तर यांना म्हणते की 15 मधून मला 10 तुम्ही माझ्या अकाउंटमध्ये पाठवा, तरच तुम्हाला आम्ही ठेवू, नाही तर तुम्हाला ड्युटीवरून काढू। यांच्या सगळ्यांजवळ रेकॉर्डिंग आहे। एक मिनिट, जर तुम्ही लोक ठाण्यामध्ये त्यांच्याकडे गेले तर आम्ही माझा ह्या मोठ्या मी या नेत्यांचे नाव घेत नाही, स्थानिक आमदार माझ्या खिशात आहे, एक मिनिट, पक्षाचा एखादा नागरिक माझ्या खिशात आहे, पोलीस कर्मचाऱ्यांपर्यंत आम्ही पैसे पोचवतो, पोलीस अधिकाऱ्यांना आम्ही पैसे पोचवतो, इथल्या ज्या मॅडम आहे मीना देशमुख त्यांना आम्ही पैसे पोचवतो, आणि तुमच्या पगारातले जे पण 1 करोड रुपये 50 लाख रुपये जमा होते त्याच्यातून अर्धे पैसे यांना द्यावं लागते, त्यांना जर पैसे गेले नाही तर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी जॉब वरून काढण्यात येईल, बरोबर असं। आता मला सांगा, हे लोक काही धीरूभाई अंबानीच्या खानदानीतले आहे नाही? हा पोरगा काही धीरूभाई अंबानीच्या नातू आहे नाही? हे लोक आपली मेहनत करते, आजच्या वेळेस आपल्याला हे आयने रोजगार भेटत नाही आहे, बिचारे 15,000 मधून 10,000-12,000 त्याला देतात, आणि आता त्यांना PFचं पण 1 वर्षापासून दिलं नाही। आणि काल ह्या काकू सहदेवभाई गोसावी आमचे सचिव महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे, यांच्यासोबत ठाण्यामध्ये जाऊन रिपोर्ट दिली तर पोलीस स्टेशनमध्ये उलटी रिपोर्ट यांच्यावर टाकला की ह्या काकूंनी मला मारायची धमकी दिली। ह्या काय बदमाश आहे का? 302 आरोपी आहे तुम्ही? बदमाश आहे? हे लोक इथं हे करत आहे। याच्या व्यतिरिक्त हा पराग म्हणून मित्र आहे माझा, याच्या पण तसंच किती इकडे रे किती आहे पगार, मग किती पगार पेमेंट टाकते, 10,000, 10,500 अनगिनत केसेस आहे माझ्यावर, आज पण 353 पण मी लावायला तयार आहे, किंवा अजून कोणती तरी केसेस, मी सहदेव गोसावी सागर चव्हाण, आमची मागणी हेच आहे की यांचा पूर्ण पेमेंट यांना द्यायला पाहिजे, ज्यांना काढलाय त्यांच्या व्यतिरिक्त मी बोलत नाही, परंतु जे ऑन ड्युटी आहे हाय त्यांना पूर्ण पेमेंट, जेवढा पेमेंट आहे हे त्यांना पूर्ण पेमेंट त्यांनी द्यायला पाहिजे, आणि ज्यांचे पैसे पेंडिंग आहे त्यांचे पैसे कंप्लीट केले पाहिजे, नाही तर आज इथे आहे उद्या त्याच्या घरी जाऊन बसेन। इसके साथ जल्द से जल्द वेतन दिया जाए और वेंडर द्वारा हो रही बदमाशी पर रोक लगाई जाए, यही मांग कर्मचारियों द्वारा यहां की जा रही थी। माझे नाव प्रतीक राऊत आहे, 2 वर्षापासून मी इथं काम करत आहे, 2 वर्षापासून मी नाईटच करत आहे, त्यांनी 2 वर्षापासून मला PFचा नंबर नाही दिला आहे, हर महिन्याला तो 3,000 रुपये वरचे मागून राहिला आहे, आता दुसरा कॉन्ट्रॅक्ट, आता दुसरा वर्ष चालू झाला आहे, हा वर्षी पण त्यांनी 10,000 रुपये मागितले आहे, अश्वजित रामटेके नाव आहे त्याचं, ज्यांच्याकडे हा टेंडर आहे, तर मला इथून पेमेंट नाही भेटला तर मी हा सीड्यावरून वरत चालला येईल ना, वरत जाऊन कुदून जाऊन। इसी दौरान पुलिस आक्रामक हुई और आंदोलनकारियों के साथ हाथापाई पर उतर आई, जिससे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण आंदोलनकारियों का रोष देखने को मिला। देखिए, महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसाइटी है, इनका हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी पोल खोल हमारे पूरी टीम ने और हमारी जो बहनें इन्होंने की है। भ्रष्टाचार क्या है कि 22,000 रुपये सैलरी रहने के बाद 11,500 रुपये अकाउंट से निकालकर, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे अकाउंट में 22,000 रुपये आते हैं और मुझे 11,500 रुपये हर बार अश्वजीत रामटेके नाम के व्यक्ति को देना पड़ता है, और उसको जवाब पूछा गया है कि भाई तू ये 11,500 रुपये हम तेरे क्यों दे, अगर तेरे को यहाँ 10,000 में काम करना है तो तू 10,000 में काम कर, नहीं करना है तो हम तेरे को यहाँ से जॉब से निकाल देंगे, और ये 11,500 रुपये हमको यहाँ पे हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी मैडम है, यहाँ पुलिस है, यहाँ के जो ढोके साहब है इनको देना पड़ता है, घोड़े बाबू इनको देना पड़ता है, ऐसा साफ शब्दों में उनकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। हमारी मांगनी यही है कि जो हमारी महिला है ये बहुत गरीब घर से आती है, कैसे भी अपना यहाँ पे काम धंधा करके अपना परिवार चलाना, इनको कोई बिल्डिंग
देखिए इनको पाँच ये दीदी के 50,000 रुपये अभी तक इन्होंने 5 महीने की सैलरी नहीं दी। हमारी सभी साथियों की यही मांग है कि इनको इनकी सैलरी पूरी वापस देना चाहिए, और जो पीएफ का पैसा आज तक साल भर का अटका हुआ है ये भी पेमेंट इनको देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम शांतिपूर्वक तरीके से हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं, और हम मैडम से मिलने आए कि हमको जिनको आपने ये ठेका दिया उस दोनों व्यक्ति को बुलाओ, वो हमारे बोलने से आने और जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके बोलने पर नहीं आ रहे, तो ये बात साफ है कि यहाँ करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन आंदोलनकारियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया वो कहां तक सही था, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम खड़े हैं राज्य कामगार बीमा सोसाइटी अस्पताल बुधवारी बाजार में। ये अस्पताल है, आप देख पा रहे हो कई दिनों से यहाँ के कर्मचारियों के एमटीएस कर्मचारियों के पगार नहीं हो रहे, उसके लिए जो है ये कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि पुलिस द्वारा जो है आंदोलनकारियों के साथ किस तरह से बर्ताव किया गया है। इसमें जो आंदोलनकारियों को कांग्रेस की ओर से युवक कार्यकर्ता जो मदद कर रहे हैं उनके साथ जो है पुलिस का बर्ताव आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उन्हें उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस ने हाथापाई तक की इन आंदोलनकारियों के साथ की है, जिसे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये जमीन पर लेट गए, उनकी तबीयत जो है खराब होते दिखाई दे रही है, और पुलिस की जिस तरह से यहाँ पे हाथापाई जो आंदोलनकारियों के साथ कर रही है ये कहाँ तक सही है, पुलिस ने जिस तरह से आज बर्ताव किया है वो कहाँ तक सही है, क्या 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 मांग है आपकी? मैडम हम देखो, मेरा नाम राहुल जायसवाल है, यहाँ मेरी बहन काम करती है, यहाँ बाकी की महिलाएं काम करती है, लड़के काम करते हैं, जो बाकी के जो लड़के हैं ये भी यही काम करते हैं, जो ऑन ड्यूटी है अभी यहाँ पे जो नर्स लोग स्टॉप है वो ऑन ड्यूटी है, उनको गए 5 महीने से पेमेंट नहीं दिया अश्वजीत रामटेके नाम ने, और कल जब हमारे महिला और कुछ लड़के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डालने जाते हैं तो अश्वजीत रामटेके नाम का आदमी इनको रिटर्न में धमकी देता है कि हम अगर तुमने मेरे नाम की रिपोर्ट डाले तो मुझे जान से मारने की रिपोर्ट मैंने पुलिस स्टेशन में लिखा के रखा हूँ तुम्हारे सबके नाम की, और पुलिस वाले मेरे जेब में है, यहाँ के स्थानीय आमदार मेरे जेब में है, ऐसी बात करके यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको धमकाता है। हम कह रहे हैं पुलिस वालों को अभी जिस तरह से यहाँ पे हाथापाई हुई है, पुलिस ने हाथापाई की है, क्या बताओगे? ये पुलिस की जो हाथापाई है ये इस प्रकार की हाथापाई है कि चोर को चोर कहने पर जो फिरियादी है उसको मारा जा रहा है, यानी गुनहगारों को छोड़कर जो फिरियादी है जिनके ऊपर अन्याय हुआ उनके ऊपर अन्याय करते जाओ, यानी गौर गरीब आदमी पे चाहो जितना अन्याय करो, उन्हें लाठी मारो, उन्हें जान से मार डालो, उनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन पैसे वाले तो जिस तरह से कर्मचारियों की यही की मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, हमारा जो पेमेंट है हमें मिले, बस यही उनकी मांग है। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस ने बर्ताव किया है वो कहां तक सही है, हमारे साथ यहां पे पुलिस निरीक्षक भी है, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस सब मामले पे। साथ पुलिस पीआई सर है, हम उनसे जानेंगे कि आज जो आंदोलन हुआ है उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति निर्माण हुई। आता हम यहाँ स्पॉटवर आलो आहे, दवाखान्यामध्ये माहिती मिळाली की काही लोक स्पॉट मध्ये दवाखान्यात येऊन गोंधळ घालत आहेत, त्या ठिकाणी आम्ही आलो, यांना आटोक्यात आणायचा प्रयत्न करताय, तर ते पोलिसांशी सुद्धा ते आरेरावीने बोलत आहेत, महिलांना पुढे करून काहीतरी गोंधळ घालायचा प्रयत्न चाललेला आहे, त्यांना आम्ही आता आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांचं देखील ऐकत नाही, कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर आम्हाला निवेदन देता डायरेक्टली कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न हा चालू आहे, याचा आता आम्ही पुढील योग्य कारवाई करत आहोत। जिस तरह से अभी हाथापाई देखी गई वो कहां तक सही थी? तो अभी कानून से बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पुलिस का भी मान नहीं रहे, यूनिफॉर्म पे पुलिस आ रहे, उनको बुला रहे, हम बाहर आओ आपकी चर्चा करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ कानून आप हाथ में नहीं ले सकते, तो वो भी नहीं मानते हुए अपना ही कानून सही कराने की तैयारी में है लोग। तो कानून को नहीं मान रहे ऐसा कहते हुए पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल, इन्होंने कहा है कि आगे की जांच जो है हमारे द्वारा चल रही है, किस तरह से आगे की क्या होता है ये भी वो बोले कि मतलब जिस तरह से जो है रणनीति बनाई जाएगी और क्या होता है ये अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इन जो कर्मचारियों को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।